नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज की ये कहानी है फ्लाइट 571 की, एक ऐसी फ्लाइट जो कि बर्फीली पहाड़ियों के बीच जाकर क्रैश हो गई, जिसे क्रैश होने के लगभग 2 महीने बाद भी ढूंढा नहीं जा सका। इस फ्लाइट में बचे हुए पैसेंजर को खुद को जिंदा रखने के लिए अपने ही साथियों का कच्चा मांस तक खाना पड़ा। तो आखिर क्या है इस फ्लाइट 571 की पूरी कहानी, जानने के लिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहें। तो चलिए आज के इस रहस्यमय वीडियो को शुरू करते हैं, पर शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। दोस्तों फ्लाइट 571 की कहानी 12 अक्टूबर 1972 को उस वक्त शुरू होती है जब ओल्ड क्रिसन क्लब के रग्बी खिलाड़ियों को रग्बी खेलने के लिए सैंटियागो जाना था। इसके लिए टीम के कप्तान ने एक प्राइवेट प्लेन बुक करते हैं। क्योंकि ये एक प्राइवेट प्लेन था इसलिए इसमें खिलाड़ियों के साथ साथ उनके परिवार के सदस्य भी फ्री में मैच देखने के लिए जा रहे थे। 12 अक्टूबर 1972 को 40 पैसेंजर और 5 क्रू मेंबर के साथ ये फ्लाइट पांगन की राजधानी मोंटेवी से उड़ान भरती है। इस सफर के दौरान फ्लाइट 571 की सबसे पहले मंडोजा अर्जेंटीना पहुंचना था, फिर वहां से इंजन रिफिल करने के बाद इसे सैंटियागो को पहुंचाना था। फ्लाइट को कॉर्नेलियन नाम के काफी अनुभवी पायलट उड़ा रहे थे। सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा था और इस तरह से ये फ्लाइट कुछ घंटे के सफर करने के बाद मोंटेवी से मेंडोजा बिल्कुल सही सलामत पहुंच जाती है। लेकिन मेंडोजा में इंजन रिफिल करने के बाद जब इस फ्लाइट को सैंटियागो ले जाने की बारी आती है तो वहाँ का मौसम इतना खराब हो जाता है कि पायलट कॉर्नेलियन उस रात सैंटियागो ना जाकर मेंडोजा में ही रुकने का फैसला करते हैं। अगली सुबह 13 अक्टूबर को भी मौसम में कोई बदलाव नहीं आता है, जिसके बाद पायलट दोपहर तक और रुकने का फैसला करते हैं। लेकिन आखिरकार दोपहर में भी मौसम में कोई बदलाव नहीं आता है। वो इस खराब मौसम में ही फ्लाइट 571 को सैंटियागो ले जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। वैसे आपको बता दें, पायलट कॉर्नेलियन ने मेंडोजा से सैंटियागो पहले भी 29 बार प्लेन को उड़ाया है, इसलिए उन्हें खुद पर भरोसा था कि वो खराब मौसम में भी बड़े आराम से सैंटियागो पहुंच जाएंगे। तो अब सैंटियागो तक पहुंचने के लिए पायलट को एंडियास की सभी बर्फीली पहाड़ियों को पार करना था। लेकिन जैसे ही पायलट कॉर्नेलियन फ्लाइट 571 के साथ इन पहाड़ियों को एक एक करके पार करना शुरू करते हैं तो वहाँ बर्फ का भयानक तूफान आ जाता है, जिसके बाद पायलट को आगे कुछ नहीं दिखाई देता है। वो अंदाजे से ही इस प्लेन को उड़ाते हुए बढ़ते हैं। दरअसल पायलट को इस रास्ते पर प्लेन उड़ाने का काफी ज्यादा एक्सपीरियंस था, इसलिए वो अंदाजे से ही प्लेन को उड़ा रहे थे। इस तरह से कुछ घंटे तक प्लेन को उड़ाने के बाद जब पायलट को अपने अंदाजे से ये लगता है कि वो सैंटियागो एयरपोर्ट के पास पहुंच गए हैं तो वो सैंटियागो एयरपोर्ट से कनेक्ट करते हैं और उनसे लैंडिंग की परमिशन मांग लेते हैं। लेकिन असल में पायलट इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि उनका प्लेन अभी भी एंटियास की पर्वतों के ऊपर ही उड़ रहा था और इसलिए वो प्लेन को बिना अंदाजे के ही लैंड करने के लिए 11,500 फीट के एल्टीट्यूड पर लेके आते हैं और फिर लैंडिंग की पोजीशन बनाते हुए नीचे की तरफ बढ़ने लगते हैं। लेकिन तभी उन्हें अचानक से सामने की तरफ एक धुंधली सी लेकिन एक बड़ी सी चट्टान नजर आती है। पायलट बिल्कुल घबरा जाते हैं और प्लेन को झटके से ऊपर की तरफ खींच लेते हैं, जिससे प्लेन हवा में बिल्कुल वर्टिकली उड़ने लगता है। ऐसी सिचुएशन में प्लेन की स्पीड बिल्कुल कम हो जाती है और अब प्लेन को लिफ्ट फोर्स मिलना बंद हो जाता है, जिसकी वजह से प्लेन बिल्कुल तेजी से नीचे की तरफ गिरने लगता है। आखिर का प्लेन पहाड़ी से टकराकर क्रैश हो जाता है और पायलट की तुरंत मौत हो जाती है। ऐसी सिचुएशन में प्लेन का टेल उड़ चुका था और कॉकपिट बिल्कुल बर्बाद हो चुका था। इस प्लेन क्रैश में कुल 45 लोगों में से सिर्फ 33 लोग ही जिंदा बच पाए थे और उनमें से कई लोग तो बहुत बुरी तरह से घायल हो गए थे। प्लेन में 2 मेडिकल स्टूडेंट भी मौजूद थे जो खुद जख्मी होते हुए फर्स्ट एड किट की मदद से दूसरे ज्यादा जख्मी लोगों की मदद कर रहे थे। इस प्लेन में मौजूद नामदो नाम के इंसान को सर पर ऐसी चोट लगी थी कि वो कोमा में चला जाता है। कुल मिलाकर प्लेन में जिंदा बचे सभी लोग थोड़े बहुत जख्मी होते हैं और इधर रेस्क्यू टीम भी कई सारे प्लेन के साथ जल्दी से फ्लाइट 571 की खोज में निकल जाते हैं।
लेकिन सफेद बर्फ में सफेद प्लेन को ढूंढ पाना उनके लिए इम्पॉसिबल हो रहा था। और इस तरह से देखते ही देखते हादसे का पहला दिन बीत जाता है। दूसरी तरफ सभी घायल पैसेंजर किसी तरह से उस रात बर्फीली पहाड़ियों में गुजारते हैं। अगले दिन भूख लगने पर प्लेन में पड़े थोड़े नाश्ते के साथ वो अपना गुजारा करते हैं। अगला दिन 11 प्लेन के साथ रेस्क्यू टीम वहां दोबारा आई। इस बार पैसेंजर ने अपने लगेज को बाहर निकालकर बर्फ पर बिछा दिया ताकि रेस्क्यू टीम उन्हें ऊपर से देख सके, लेकिन इस बार भी रेस्क्यू टीम उन्हें नहीं खोज पाती है। इस तरह से दूसरा दिन भी बीत जाता है। फिर जब अगले दिन पैसेंजर की आंख खुलती है तो उन्होंने पाया कि उनमें से 5 घायल लोग की मौत हो चुकी थी। तीसरे दिन प्लेन में मौजूद सारा खाना खत्म हो चुका था और पानी जमकर बर्फ बन चुका था। ऐसे में पैसेंजर के पास ना तो खाना था ना ही पीने के लिए पानी। ऐसी खतरनाक हालत में भी एक पैसेंजर ने अपना दिमाग लगाकर बर्फ को एक सीट में भरकर उसे प्लेन के ऊपर रख दिया, जिसकी वजह से दोपहर में धूप होने पर बर्फ पिघलकर पानी बन गया। इस तरह से लोगों ने अपनी प्यास बुझाई और तीसरे दिन ही कोमा में गए पैसेंजर नामदो को भी होश आ जाता है और इस तरह से बिना कुछ खाए तीसरा दिन भी बीत जाता है। चौथा दिन होते होते बर्फ की सफेदी की वजह से लोगों की आंखें चौंधियाने लगी थी, इसलिए सभी लोगों ने फ्यूजलेस में पड़े टोपी के सनग्लास और ब्रा के मदद से 3 सनग्लासेस बना लिए। ठंड से बचने के लिए लोगों ने प्लेन के रबर सीट से अपने लिए जूते बना लिए। अब तक बिना कुछ खाए 8 दिन बीत चुका था। अचानक उन्हें प्लेन में पड़े रेडियो में न्यूज सुनने को मिलती है कि फ्लाइट 571 के सर्च ऑपरेशन को अब बंद कर दिया गया है और ये गर्मी का महीना आने पर बर्फ पिघलने के बाद ही फिर से शुरू किया जाएगा। ये खबर सुनते ही लोगों की हिम्मत टूट जाती है। किसी तरह से 2 दिन और बीतता है और अब लोग भूख से मरने लगे थे। ऐसे में कुछ लोगों ने मिलकर ये फैसला किया कि अब वो अपने मरे हुए दोस्तों के मांस को खाकर ही जिंदा रहेंगे और अपने बचने का रास्ता ढूंढेंगे। लेकिन जो लोग ऐसा करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए वो अगले 2 दिन में उनकी भी मौत हो जाती है। ये सब देखने के बाद नामदो समेत 4 लोग मिलकर ये फैसला करते हैं कि अब लोग फ्यूजलेस में रहना छोड़कर पश्चिम की तरफ पहाड़ियों के पार करके गांव में मदद लेने के लिए जाएंगे। लेकिन उनके लिए बिल्कुल भी सफर आसान नहीं था क्योंकि पहाड़ी उनसे काफी दूर था, लेकिन फिर भी बिना हिम्मत हारे ये 4 लोग सनग्लासेस, रबर के जूते, कुछ गर्म कपड़े और कुछ मांस के टुकड़े लेकर इस मुश्किल सफर पर निकल पड़े। और कुछ दूर जाने के बाद इन्हें प्लेन का टूटा हुआ टेल का हिस्सा मिलता है, जिसमें लोगों के सामान के साथ साथ शराब की बोतलें, सिगरेट लाइटर और कुछ खाने का सामान भी मिलता है। ये लोग बहुत ही खुशी से आग जलाते हैं और उस रात वो सुकून से सो पाते हैं। अगली सुबह होते ही अपना सफर फिर से शुरू करते हैं, लेकिन जैसे ही रात होती है उन्हें खुले आसमान के नीचे बर्फीली पहाड़ियों में इन लोगों के लिए आगे बढ़ पाना बिल्कुल मुश्किल हो जाता है। ठंड इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि किसी तरह से एक रात गुजारते हैं। अगले सुबह वापस प्लेन के ट्रेल में आ जाते हैं। इन 4 लोगों में से एक रॉय नाम का बंदा पेशे से इलेक्ट्रिशियन होता है। वो सलाह देता है कि अगर ट्रेल में लगी बैटरी को डीसी से एसी में कन्वर्ट कर लें तो इसकी मदद से फ्यूजलेस में मौजूद रेडियो का इस्तेमाल करके मदद बुला सकते हैं। जिसके बाद ये 4 लोग उसी ट्रेल में रहने लगते हैं। कुछ दिन तक वहाँ काम करने के बाद जब रॉय को बैटरी को डीसी से एसी में बदलने में कामयाबी मिल जाती है तो प्लेन के फ्यूजलेस में रेडियो को लाने जाता है। लेकिन तभी वहाँ बर्फ का एक तूफान आता है कि रॉय समेत 8 लोगों की मौत हो जाती है और बाकी जो फ्यूजलेस के अंदर थे वो फ्यूजलेस के साथ ही बर्फ के नीचे दफन हो जाते हैं। बर्फ के नीचे दफन होने के बाद मौजूद लोगों को अब ये बात समझ आ गई थी कि जैसे ही फ्यूजलेस के अंदर की ऑक्सीजन खत्म होगी वो सारे मारे जाएंगे। इसलिए वे सभी पैसेंजर के साथ मिलकर 3 दिनों तक बर्फ की खुदाई करते हैं और भूख लगने पर अपने दोस्तों का कच्चा मांस खाते हैं। उधर नामदो और बाकी 2 लोग लगातार 10 दिन तक पहाड़ी चढ़ते रहे और रात में सोने के लिए प्लेन के टेल में मिले गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करते रहे। आखिरकार 10 दिनों के बाद उन्हें एक नदी के पास एक गांव दिखता है जिसकी दूसरी तरफ से कुछ लोग दिखाई देते हैं। नामदो इशारे से उनसे मदद मांगता है, जिसके बाद लोग जैसे ही नामदो के पास पहुँचते हैं तो नामदो उन्हें सारी आपबीती सुनाता है। वो लोग ये सुनकर हैरान हो जाते हैं कि क्योंकि
अब इस घटना को घटे हुए पूरे 71 दिन बीत चुके हैं। गांव के लोगों को तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं, जिसके लगभग 10 घंटे के बाद मदद के लिए आर्मी के हेलीकॉप्टर वहां पहुंच जाते हैं और फिर वहां नामदो के बताए हुए रास्तों को फॉलो करते हुए सभी फ्यूजलेस में फंसे हुए लोगों तक पहुंच जाते हैं। इस तरह से हादसे के लगभग 72 दिन के बाद 45 लोगों में से 16 लोग ही जिंदा बच पाए, बाकी 13 लोगों की लाशें सही सलामत मिली और बाकी बचे 16 लोगों की सिर्फ हड्डियां ही बरामद हो पाई। मरे हुए लोगों की लाशें और हड्डियों को दुर्घटना स्थल पर ही दफन कर दिया गया और 18 जनवरी को सभी का अंतिम संस्कार कर दिया गया। तो दोस्तों, इसी के साथ आज की हमारी वीडियो समाप्त होती है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप अपना कीमती कमेंट हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और इसी तरह नए नए जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक।